नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कंगाली ने पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले रखा है, बल्कि अब तो ये कहना ज्यादा सही होगा कि कंगाली और पाकिस्तान का चोली दामन का साथ हो चुका है। पाकिस्तान में दिनों दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुल्क में गरीबों पर महंगाई की मार भी लगातार बढ़ती जा रही है। वहां आलम यह है कि दो वक्त की रोटी के लिए जनता तरस रही है, क्योंकि इस वक्त आटे का भाव ऊंचे आसमान पर है। आलम यह है कि पाकिस्तानी जनता को आटे जैसी चीज के लिए आपस में लड़ना झगड़ना पड़ रहा है। वहीं पैसों के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को इस बार आईएमएफ ने भी जोर का झटका दे दिया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के उस दावे को खारिज कर दिया है, या यूं कहें कि उस झूठ की पोल खोल दी है, जिसमें उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सभी शर्तों को पूरा करने का दावा किया था। असल में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी दी गई है। पाकिस्तान बीते कुछ वक्त से लगातार पैसों की कमी से जूझ रहा है। उसने अलग अलग देशों से मदद की भी गुहार लगाई। इसके अलावा पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिलने की भी उम्मीद थी, लेकिन आईएमएफ के अब इस झटके के बाद उसके लिए हालात मुश्किल होना तय माना जा रहा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कुछ शर्तों पर $6 अरब देने के लिए 2019 में एक समझौता किया था। ये योजना कई बार बेपटरी भी हुई और पूरा भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इसके पीछे वजह यह है कि आईएमएफ ये चाहता है कि पाकिस्तान उसकी सभी शर्तों का पालन करे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वित्त मंत्री इशाक डार ने बार बार दावा किया कि समझौते पर पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने तमाम शर्तें पूरी कर ली हैं और समझौते से पीछे हटने का कोई भी कारण नहीं है। पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से मंजूर की गई कर्ज की रकम की पहली किश्त अभी तक भी अटकी हुई है। आईएमएफ द्वारा 2019 में पाकिस्तान के लिए तय बेल आउट प्रोग्राम जून में पूरा हो जाएगा। अगर तब तक कर्ज की किस्तें जारी नहीं हुई तो फिर इस प्रोग्राम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान के आर्थिक हालात और उसके वित्तीय कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा बैठकों का सिलसिला भी शुरू किया था। 8 बैठकें चली, उसके बाद 9वीं बैठक में आईएमएफ ने कुछ कड़ी शर्तें रख दी और इसी को लेकर विवाद होने लगा था। पाकिस्तान में आईएमएफ मिशन के प्रमुख नाथन पोर्टर के हवाले से बताया गया कि आईएमएफ पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ लगातार काम कर रहा है। पाकिस्तान लगातार कैश क्राइसिस से जूझ रहा है। इसकी वजह से वहां खाने पीने के सामान का संकट पैदा हो चुका है। आटा तक बेहद महंगे दामों पर मिल रहा है और सामान खरीदने के लिए लगी लाइनों में झगड़े फसाद की नौबत आ रही है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में हुई ऐसी तमाम घटनाओं में कई लोगों की जान भी अब तक जा चुकी है। यहाँ तक के आम लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा असंतोष है और वो सरकार और देश की कार्यप्रणाली पर अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। पाकिस्तान के इस एक और झूठ के बेनकाब होने पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।